अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम एमआई में हेडक्वार्टर यानी कि किशनगंज में दारुल ईमान में मौजूद हैं और हमारे साथ आज हमारे ख़ास मेहमान एमआई बिहार यूथ प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन रज़ा साहब का है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे इस चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आदिल हसन भाई, आपसे एक सवाल है जो काफ़ी आवाम ने, मेरे व्यूवर्स ने पूछा है कि आप लोग जो है किशनगंज में लड़ने आए हैं इलेक्शन, और जो ये 371 की बात करते हैं, ये कहाँ तक आप सीट कर पाएंगे? और लोगों का ये भी पूछना है कि ये 371 क्या आपकी केंद्र में सरकार बन रही है या बिहार में, आप कैसे इसको सीट कर पाएंगे? जो लोग आपसे पूछ रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या गोरखालैंड की केंद्र में सरकार बनी थी, क्या मेवात की केंद्र में सरकार बनी थी, क्या तेलंगाना और कर्नाटक का जो एरिया है उसमें केंद्र में सरकार बनी थी। सरकार नहीं बनाता है, ये लड़ाई लड़नी पड़ती है, आंदोलन करना पड़ता है, उसके बाद आपको हक मिलता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब 16 अगस्त को विधानसभा मैदान में जो उन्होंने एक आवाज़ लगाई थी, उसी आवाज़ की एक कंटिन्यूटी है। प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में गया है, पार्लियामेंट में इस पर डिस्कस होगा, उसके बाद जो मेरे पास इंपेरिकल डाटा है, जो NSS सैंपल है, जो सर्वे की रिपोर्ट्स है, उसके आधार पर हम सरकार के पास इल्तजा कर रहे हैं। बिहार को स्पेशल स्टेटस की लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसी तरह सीमांचल को स्पेशल स्टेटस की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसकी एक शुरुआत है अख्तर उलीमान साहब को पार्लियामेंट में भेजना, ताकि वो पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ उठा सके, क्योंकि चाहे केंद्र की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, हर सरकार बिहार का जो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर, बारसोई, कोचा दामन, मोहिद्दीनगर, बिघोर, कचना, धचना, ठाकुरगंज, टेढ़ाघाट, पोठिया, डगरुआ, रोहटा, बायसी, रानीगंज, फारबिसगंज, नरपतगंज, बनबनकी, सुपौल, जो ये जो मनसाही, मनिहारी, प्राणपुर, कदुआ, ये जो पूरा सीमांचल का एतराफ़ है, इसी का डाटा दिखला के वर्ल्ड बैंक से नीतीश बाबू भी भीख लेते हैं और केंद्र सरकार में मोदी जी भी भीख लेते हैं और हर जगह इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में पैसे देते हैं अर्जी कि हम बहुत गरीब हैं। तो गरीबी का जो मूल रूप है वो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर, बारसोई, कोचा दामन, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, बायसी, रोहटा, अमोर को दिखा के करते हैं इसी तरह, लेकिन इसको मिलता नहीं है। पटना में चार मेडिकल कॉलेज खुल गया, पटना मेडिकल कॉलेज खुल गया, नालंदा मेडिकल कॉलेज खुल गया, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खुल गया, और जब एक और सरकार खुली तो एम्स भी वहीं खुलता है। आपने देखा होगा मोतिहारी के लोगों को, आपने देखा होगा गया के लोगों को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बनने जा रही थी, लड़ के गया के लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में भी लिया, तो बिहार में दो दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई। तो लड़ना पड़ता है, ये मास्टर मुजाहिद की तरह नीतीश भाजपा को हराने के नाम पर वोट नहीं लिया जाता है और जाके भाजपा की गोद में बैठते हैं, या जावेद आज़ाद की तरह जो अलीगढ़ को 10x10 का रूम नहीं दिलवा पाए, और जो अपने अब्बा के नाम से आज़ाद कॉलेज को कंस्टिट्यूएंट नहीं करवा पाए, जो महानंदा बेसिन की बात नहीं करवा पाए, जो अपने घर के बगल में चरचरी घाट नहीं बनवा पाए, उस आदमी से तवक्को आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सवाल है कि 9 साल जो ट्रम्प अख्तर उलीमान विधायक रहे हैं, उसमें उन्होंने ऐसा क्या काम किया जो लोग उसको सांसद के रूप पे चुनेंगे, क्यों चुनेंगे लोग यहाँ पे? जब आपकी शरीयत पर, जब आइडेंटिटी पे लड़ाई हो रही थी, जब भाजपा और गिरिराज सिंह और अश्वनी चौबे, जब विधानसभा में अख्तर उलीमान साहब को पाकिस्तानी बोला था, तो उस वक्त मास्टर मुजाहिद पैदा भी नहीं हुए थे विधानसभा में, जावेद आजाद मुंह पर पट्टी बांधे हुए थे, और दूसरे जो सीमांचल के MLA जो मुसलमान MLA थे, पट्टी बांधे, यही वाहिद अख्तर उलीमान साहब थे। जब आपको पाकिस्तानी बोला तो आंख से आंख निकाल कर गिरिराज को जवाब दिया था, और जब आपके बच्चों को सूर्य नमस्कार कराया जा रहा था, तो यही अख्तर उलीमान साहब ने आवाज़ उठाई थी कि आपकी आवाज़ हो। बिहार में 38 जिला में अगर सबसे ज़्यादा मकबूलियत किसी ने तस्लीमुद्दीन साहब के पास पाई है, तो यही आपके घर का बेटा, यही कोचा दामन का विधायक अख्तर उलीमान ने पाया था, जो गया के भी कब्रिस्तान का मुद्दा उठाता था, नवादा के भी कब्रिस्तान का, ईदगाह का इंक्रोचमेंट का मुद्दा उठाया, और जो कोचा दामन का भी उठाया, जाके पता कर लीजिए कोचा दामन में जो एक डेढ़ गाँव की बस्ती है, उसमें भी 6 करोड़ का अख्तर उलीमान साहब ने पुल बनवाया। अख्तर उलीमान सिर्फ एक कोचा दामन का MLA नहीं था, अख्तर उलीमान एक आवाज़ थी। आज बिहार असेंबली में जावेद साहब हैं, मुजाहिद साहब हैं, नौशाद साहब हैं, तौसीफ साहब हैं, ये अल्लामा चारों हैं, और तो बतला दीजिए कि आपके मसाइल कितना उठता है। एक तरफ अख्तर उलीमान की कारकर्दगी और इतना चारों MLA की कारकर्दगी बराबर। अच्छा, यहाँ के आवाम का ये भी कहना है कि इस बीच अचानक से MIM आ गई है सीमांचल के अंदर, और MIM आके कहीं वोट तो नहीं काटेगी? और एक और सवाल है इसी के साथ ही साथ, क्या 1 MP जीत के क्या करेंगे? सुनिए,
शरीयत पे जब लड़ाई हुई तो वही एक एमपी मर्द मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज उठाई, जो जो फौज थी 44 एमपी की वो चुप रही, जो मौलाना असरारुल हक कासमी जैसे सीमांचल की ताज सीमांचल की शान उनको भी बोलने यही कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था, जो आर्टिकल पे तो लिख देते थे लेकिन अफसोस कांग्रेस ने उनको बोलने नहीं दिया था, दुनिया से अल्लाह चले गए, वही मर्द मुजाहिद, वही हैदराबाद का लाल, वही डक्कन की सरजमी का बब्बर शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सालारे मिल्लत का साहेबजादा ने बोला, और हिंदुस्तान में कांग्रेस को भी बैकफुट पे आना पड़ा और भाजपा को भी बैकफुट पे आना पड़ा, और आज तक भाजपा बैकडोर से एंट्री की ऑर्डिनेंस पास कराई लेकिन वो नहीं करवा पाई, जो ब्रूट मेजोरिटी से पास कराना होता है राज्यसभा और लोकसभा वो नहीं करवा पाई। जब हक बोलने के लिए एक ही मर्द मुजाहिद काफी है, अकबर ओवैसी साहब, मुमताज अहमद खान, बलाला साहब सिर्फ 7 MLA है, तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का माइनॉरिटी का बजट 2100 करोड़ रुपया तेलंगाना में है, और यहाँ पर एक से एक जादूगर है, एक से एक मुसलमान के MLA हैं, लेकिन बतला दीजिएगा हिंदुस्तान में तेलंगाना से ज्यादा माइनॉरिटी का बजट कहाँ है, ना बिहार में है, ना झारखंड में है, ना बंगाल में है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, तीनों स्टेट का मिलाकर तेलंगाना से भी माइनॉरिटी का बजट कम है, और हमने वहाँ पर डिप्टी CM मुसलमान को दिया, बतला दे कि कांग्रेस ने कहाँ डिप्टी CM मुसलमान। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि किशनगंज में अख्तरुल ईमान साहब क्या जीत पाएंगे या फिर वोट कटवा साबित होंगे? अख्तरुल ईमान अल्हम्दुलिल्लाह जब शुरुआत करेंगे तो 57,000 से शुरुआत करेंगे, लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, जब अख्तरुल ईमान ने बरसरे आम ऐलान कर दिया था कि मैं भाजपा को हराने के लिए मैं विधानसभा लोकसभा में बैठ गए थे, तो 57,000 बैठने पर जिस कैंडिडेट को आता है तो जो नए नए जो आएंगे साहेबजादे उनको बतला दीजिए कि बाबू अभी जो तुम लैक्टोजिन और जो दूध पीना सीखोगे, अख्तरुल ईमान जब शुरुआत करेगा तो अख्तर साहब 57,000 वोट से शुरुआत करेंगे, तो मेरी शुरुआत 57 से होगी, बाबू साहब की 1 वोट से होगी, तो इससे आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि अख्तरुल ईमान साहब की क्या पॉपुलैरिटी है, और लगातार 2014 के बाद 2015 में महागठबंधन की प्रचंड लहर चल रही थी उसमें भी अख्तरुल ईमान साहब ने 38,000 से ज्यादा वोट लाया, ये साबित करता है कि गधा घोड़ा खस्सी बकरी जब एक कश्ती पर सवार हो गया था तब बड़ी मुश्किल से हरा पाया था, तब भी 38,000 हम वोट लाए थे, तो आज जो पिछले 2015 से लेकर आज 2019 है, डगरुआ में, रोहटा में, बैसी में, अमोर में, टेरागाच में, छतरगाच में, कोठिया में, ठाकुरगंज में, गलगलिया में, आपके आपके कोचा दामन में, आपके माधो में, आपके नटवा पारा में, आपका रहमत पारा में, आपका बाईसी के एतराफ़ में, आपका चटानी हाट में, आपके अमोर के एतराफ़ में, आपका जो पूरा इलाका है उसमें बच्चा बच्चा बोल रहा है अख्तरुल ईमान, बच्चा बच्चा को एक तमन्ना है, नौजवान को, बूढ़े को, बुजुर्ग को, हर उस ईमान वाले को, हर उस शऊर वाले को तमन्ना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाए, जो कदम से कदम, कंधा से कंधा उनका मिलाए, और सीमांचल की लड़ाई नहीं पूरे हिंदुस्तान के हर दबे कुचले की लड़ाई लड़े, आज पूरे हिंदुस्तान की नज़र अख्तरुल ईमान साहब पे पड़ी, सज्जाद नोमानी साहब जैसे आलम-ए-दीन हो या मौलाना आज़मी साहब जैसे आलम-ए-दीन हो, एक से बड़े उलेमा ने अख्तरुल ईमान को दुआ दी है कि अख्तरुल ईमान बेटा तुम जाओ कामयाब हो, क्योंकि हिंदुस्तान की उलेमा की नज़र, बूढ़े बुजुर्ग की नज़र, नौजवानों की नज़र सीमांचल और किशनगंज के 11 ब्लॉक के हर पढ़े लिखे तबका किसान मजदूर को एक आस अख्तरुल ईमान में देखता है, इसलिए लगता है कि इंशाल्लाह अख्तरुल ईमान साहब कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये मेरे खास कार्यक्रम में आने के लिए, और आप लोगों से मैं कहना ये चाहूँगा कि आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, आप कुछ बोलना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।